गर्मियों का मौसम आते ही पानी का संकट भी गहराने लगता है और लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। पानी की समस्या का सामना कर रहे लोगों ने भिलाई में जमकर प्रदर्शन किया। भिलाई के एक निजी अपार्टमेंट में हजारों की संख्या में लोग निवास करते हैं। विगत कई दिनों से यहां पानी की समस्या बनी हुई है, जिसे लेकर लोग सड़क पर निकल आए हैं और निगम प्रशासन तथा कॉलोनाइजेशन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कॉलोनी की महिलाएं भी शामिल हैं। इन महिलाओं ने बताया कि कई दिनों से पानी के साथ ही सफाई समस्या से भी इन्हें गुजरना पड़ रहा है, लेकिन न तो निगम प्रशासन और न ही कॉलोनाइजर इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। पानी की सबसे बड़ी पानी की दिक्कत हो रही है। मेंटेनेंस टाइम से ना दो तो बोलते हैं मैं आपका पानी कनेक्शन बिजली कनेक्शन काट दूंगा, ऐसे ऐसे धमकी देते हैं आप इसे। इस तरीके से समस्या है। पानी का भी टैंकर से लाते हैं, 5-10 मिनट कभी कभी 20 मिनट ऐसे करके चालू करते हैं, बताते हैं आधा घंटा है, कभी रात को चालू करेंगे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी कोई टाइम नहीं है इस तरीके से। वहीं अपार्टमेंट समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि यहां के रहवासियों पर आरोप लगाया और पानी के व्यर्थ इस्तेमाल की वजह से संकट उत्पन्न हुआ है, जिसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। प्रदर्शन ये पानी की समस्या को लेकर के है। पानी की समस्या निश्चित रूप से है, लेकिन पानी की समस्या हमारे जो कॉलोनाइजर हैं उन्होंने बहुत हद तक दूर की हुई है। 35 से 40 टैंकर पानी हमारे यहाँ डेली आ रहा है, लेकिन लोग कार वॉश करने में, अपने घर के पोर्च धोने में और अन्य कामों में पानी का मिसयूज कर रहे हैं। कुछ घरों में टुल्लू पंप लगे हुए हैं, काफ़ी लोगों ने यहाँ गार्डनिंग की हुई है अपने घरों में, और गार्डनिंग में पानी देने से भी पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। चौहान जी ने हमसे कई बार कहा कि सोसाइटी आप लोग हैंडओवर ले लीजिए। हमने कहा कि इस सोसाइटी में लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपये का बैलेंस बाकी है, हम सोसाइटी को हैंडओवर लेके नहीं चला पाएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सोसाइटी को आप ही किसी भी रूप में चलाइए और हम कॉलोनी वासियों को सभी सुविधाएं उत्पन्न कराइए।